कल होने वाली जगन्नाथ यात्रा से पहले आज पूरे में कर्फ्यू, बिना श्रद्धालुओं के होगा आयोजन। महंगाई पर शिवराज के मंत्री का दार्शनिक अंदाज, बोले जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है। भारतीय मूल की तीसरी महिला श्रीषा बंदला आज भरेंगी अंतरिक्ष के लिए उड़ान। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में एनआईए के छापेमारी, आईएसआईएस से संबंध रखने के मामले में 5 लोग गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, 2500 करोड़ रुपए की हीरोइन के साथ 4 गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की तमाम खास खबरें, जिनका सीधा सरोकार है आपके साथ। रायबरेली में सदर विधायिका आदित्य सिंह की मां वैशाली सिंह की जीत के बाद लोगों ने खूब जश्न मनाया। धूमधड़ाके और ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने वैशाली सिंह के जीत का जश्न मनाया। बता दें कि ब्लॉक प्रमुख पद के लिए अमावा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वैशाली सिंह ताल ठोकती है। तो वैशाली सिंह की जीत के बाद किस कदर लोगों ने जश्न मनाया, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बुलंदशहर के जिला में स्थित विधिक सेवा प्राधिकरण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें सचिव सुमन तिवारी ने बताया कि शहर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसमें सभी प्रकार के काफी समय से लंबित चल रहे मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सिविल के मुकदमे, दीवानी, फौजदारी, क्रिमिनल, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और बैंक से संबंधित जैसे विभिन्न मुद्दों की भी जांच की जाएगी। सुनवाई लोक अदालत में सुलह समझौते के तौर पर विभिन्न मुकदमों की सुनवाई की गई, लोगों की समस्या को आसानी से हल किया जा सके, इसके लिए ये पहल की गई है। अभी तक हजारों फाइल हैं सुनवाई के लिए लगाई जा चुकी है। पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट रूप से बताती हूँ कि आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद बुलंदशहर में किया जा रहा है, तो इसमें जो है प्रत्येक प्रकार के जो वाद हैं उनमें हमारे सिविल प्रकृति के वाद हैं, दांडिक प्रकृति के वाद हैं, सभी को हम लोग टेकअप कर रहे हैं और सुलह समझौते के आधार पर इनका निस्तारण किया जा रहा है। इनमें कुछ पेटी मैटर्स भी हैं, जैसे कि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत यदि चालान हो जाता है तो ऐसे मैटर भी हम यहाँ पर निपटा रहे हैं। तो उनमें जो है यदि कोई व्यक्ति स्वीकार कर लेता है कि हमसे कोई गलती हुई, ट्रैफिक वायलेशन हुआ, तो जुर्माने के आधार पर ऐसे केसेस को निपटा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य वाद जिनमें कि दोनों पक्षों में सुलह हो जाए, उसमें चाहे वह सिविल प्रकृति के वाद है, अपील है, उन सब में जो है सुलह के आधार पर निस्तारण हो जाता है। और सबसे विशेष बात यह है कि जो न्याय शुल्क है, कोर्ट फीस है, वो वापस प्राप्त। देखिए, जहाँ तक रजिस्ट्रेशन का प्रश्न है, लगभग 26,000 टोटल केसेस जो हैं वो आज रजिस्टर्ड हैं हमारे लिए लोक अदालत में डिस्पोजल के लिए, और हम आशा करते हैं कि इसमें से ज़्यादा मसले जो हैं वो डिस्पोज ऑफ होंगे और एक अच्छा फिगर आएगा हमारे बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से। सहारनपुर के देवबंद ब्लॉक से सपा प्रत्याशी की हार के बाद उनके समर्थकों को धरना प्रदर्शन करना पड़ा। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और असमर्थकों पर बल प्रयोग किया, जिसके बाद लाठी चार्ज करते हुए पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है। सपा पार्टी के से देवबंद ब्लॉक की हारी हुई प्रत्याशी निधि राणा ने आरोप लगाते हुए बताया कि जब वो अंदर चुनाव स्थल पर मौजूद थी तो जीतने वाले प्रत्याशी ममता त्यागी द्वारा कुछ वोट पत्र फाड़े भी गए हैं। इसमें रिजल्ट आने के बाद कुछ लोग यहाँ पर धरने बैठे थे, फिर उनके उनकी तरफ से जो है इसमें हिंसा, थोड़ी बहुत हिंसा की गई, जिस पर हम लोगों ने उनको यहाँ से हटाया गया और कुछ लोगों को पकड़ के लाइन भेजा गया। कुशीनगर में स्वास्थ्यकर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। स्वास्थ्यकर्मी ने कुछ ही मिनटों के अंदर महिला को दोबारा से वैक्सीन लगा दी। सीएससी के स्वास्थ्यकर्मियों की इस तरह की लापरवाही आम लोगों की जिंदगी के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। लापरवाही का शिकार हुई महिला अब काफी ज्यादा डरी हुई और इस मामले में आरोपी स्वास्थ्यकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है।
प्रतापगढ़ में इन दिनों फिर से भूमाफियाओं के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। फर्जी बैनामा पर पीड़ितों की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। इसी के साथ पीड़ितों को माफियाओं ने जान से मारने की धमकी भी दी। माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पीड़ित परिवार पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचे, लेकिन पीड़ित परिवार के न्याय की गुहार लगाने पर भी माफियाओं के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए पीड़ित परिवार अभी तक दहशत में है। तो भूमाफियाओं के द्वारा प्रतापगढ़ में एक पीड़ित की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, जिसको लेकर बार बार पीड़ित न्याय की गुहार लगाने पहुंचते हैं, लेकिन अभी तक फर्जी बैनामे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई किसी के द्वारा अधिकारियों के द्वारा नहीं की गई है। तो यहाँ पे जमीन है, उसके लिए हम लोग को बहुत परेशान कर रहे हैं, आए दिन धमकी दे रहे हैं। कौन लोग हैं जो परेशान कर रहे हैं? जयप्रकाश मिश्र और विनय कुमार तिवारी और उनका पूरा ग्रुप है, और बच्चों को भी निकालना मुश्किल कर रखे हैं। जो मतलब जमीन है वो हम मकान हम लोग के नाम है और उस रजिस्ट्री करा ली गई 2006 में, पर उस पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी का वो मतलब कार्यालय था, तो उसको खाली कराया 2019 में, किसी तरह से खाली कराया। उसका भौतिक कब्जा भी, उसका भौतिक कब्जा भी हमारे मतलब पक्ष में आ गया है, और नगर पालिका में हम लोग उसका टैक्स भी पे करते हैं हमेशा, हर मतलब सालाना जाता है। उसके बाद ये अभी 4 तारीख को हम लोग ने मतलब मकान बनवाने के लिए पूजा कराई, और उसके बाद 4 मतलब गुंडे आए वहाँ पे, और मेरा भतीजा था उसको धमकी दिए इस काम को तुरंत बंद, मतलब काम शुरू ही कराया गया था पूजा के बाद जस्ट, उसके बाद उसको धमकी दे के बोले कि अगर यहाँ काम लगा तो यहाँ पे खून की नदी बह जाएगी। मतलब इतना धमकी दिए कि जान माल का इतना खतरा है कि कभी भी उसको मतलब घर से निकलना मुश्किल हो गया। हमारे बच्चे घर से निकल नहीं चाहते, हम लोग रात दिन परेशान रहते हैं, चिंता में रहते हैं कब कौन सी बुरी खबर न मिले। ताजनगरी आगरा में शातिर बदमाशों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। यहां बदमाशों ने कैनरा बैंक में लगे एटीएम पर धावा बोल दिया और एटीएम में रखे कैश को लूट कर भागने की फिराक में थे, लेकिन बदमाशों की ये प्लानिंग फेल हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, वहीं एटीएम में रखे लाखों रुपए बच गए। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू करते हुए जाँच के आदेश दे दिए। ये घटना थाना इरादत नगर क्षेत्र के गाँव खेरिया स्थित कैनरा बैंक की है। रायबरेली के थाना खीरो क्षेत्र में तंत्र मंत्र से जुड़ा मामला सामने आया है। यहां तंत्र मंत्र जैसे अंधविश्वास के चक्कर में फंसी महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां एक ढोंगी तांत्रिक महिला के बाल पकड़कर उसे खींचता हुआ उसके साथ मारपीट कर रहा है, और पिटाई के दौरान महिला दर्द से कराह रही है, लेकिन तांत्रिक काफी ज्यादा टॉर्चर करता दिखाई दे रहा है। बुलंदशहर के देहात कोतवाली में अज्ञात बाइक सवार ने एक युवक को टक्कर मार दी। इसके बाद घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो अज्ञात बाइक सवार ने युवक को टक्कर मारी, जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है पुलिस द्वारा, और उस बाइक का पता लगाया जा रहा है। आ रहे थे और अपना पानी लगा करके अपने रास्ते पे थे, अपने हाथ में थे, अपने हाथ में थे, पीछे से बाइक सवार या अज्ञात कोई वाहन आया और इनको रौंदता हुआ चला, इनकी साइकिल वाइकिल टूट गई यहाँ पर, और ये उस समय इनका वहीं एड्रेस पॉइंट ही खत्म हो गए। एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस में लेकर यहाँ आए, यहाँ डॉक्टर। पुरी में भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा को लेकर एक दिन पहले आज रात 8 बजे कर्फ्यू लगाया जाएगा। वहीं 13 जुलाई को सुबह 8 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। बता दें कि इस रथ यात्रा को 12 जुलाई को होगी, और यात्रा का उत्सव शुक्रवार को भगवान के नव यौवन दर्शन के साथ शुरू होगा, जिसके दौरान अनासरा घर में 14 दिन रहने के बाद उनकी सुव्यवस्था की पूजा की जाती है। पूरी जगह के सभी प्रवेश बिंदुओं को सील कर दिया जाएगा। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर भक्तों को नियंत्रण में रखने के लिए प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। 16 जुलाई तक उच्च संक्रमण दर वाले 10 तटीय जिलों में लगाए गए सप्ताहांत बंद में पूरी शहर में प्रतिबंधों में कुछ ढील दी जाएगी। त्रिदेव भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा
अनासरा घर में 14 दिन बिताने के बाद नव यौवन दर्शन के दौरान प्रकट हुए। हालांकि श्रद्धालु उत्सव में सीधे भाग नहीं ले सकेंगे क्योंकि महामारी के कारण किसी को भी मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। राज्य सरकार ने लोगों से उत्सव के दौरान पूरी नहीं जाने और टीवी पर रथ यात्रा का सीधा प्रसारण देखने की अपील की है। आमतौर पर रथ यात्रा के दौरान पूरी में लगभग 10 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। महंगे होते पेट्रोल डीजल की कीमतों से आज आम जनता को राहत मिली है। सरकारी तेल कंपनियों ने रविवार को कीमतों में काफी कोई इजाफा नहीं किया है। एक दिन पहले दिल्ली में पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतें 35 पैसे और 26 पैसे प्रति लीटर बढ़ी थी, जिसके बाद राजधानी में एक लीटर पेट्रोल का भाव 100 रुपये 91 पैसे हो गया था और डीजल का भाव 79 रुपये 88 पैसे हो गया था। डीजल की कीमतें पूरे देश में शतक के निशान को छूने के बाद करीब पहुंच गई हैं। मुंबई शहर में यहां 29 मई को पेट्रोल के दाम पहली बार 100 रुपए के पार चले गए। वहीं शनिवार को पेट्रोल की कीमत 106 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर हो गई, ऊंचाई पर पहुंच गई। शहर में डीजल की कीमतें भी बढ़कर 97.44 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जो महानगरों में सबसे ज्यादा है। यूपी में कल ब्लॉक प्रमुख के चुनाव है। इस दौरान चुनाव में काफी बवाल भी देखने को मिला। इसके बाद जीतने वाले लोगों ने जश्न की भी मनाया। औरैया के इरवा कटरा में 37 मत पाकर निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका यादव ने जीत हासिल की। वहीं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मीरा यादव को 28 वोट मिले। जनता का सहयोग मिला है, बड़े लोगों का सहयोग मिला है, इससे मैंने चुनाव जीता है। आगे आप जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं विकास कार्य करूँगी। ये जैसा है, हम लोग भी सभी समाजवादी हैं और पैदाइशी समाजवादी हैं, उसमें कोई संशय नहीं है कहीं किसी प्रकार का। ये तो हमारा परिवार है, समाजवादी परिवार बहुत बड़ा परिवार है। कभी कभी परिवार में थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाता है, टक्कर हो जाता है, बाकी हमारी विचारधारा एक है, विचारधारा अलग नहीं है। रही बात प्रत्याशी जिताने की, तो चूँकि हम लोग पहले से चुनाव लड़ रहे थे, पहले से तैयारी किए हुए थे और लगातार हम लोगों ने मेहनत की, उसमें सारे लोगों ने, हमारे सहयोगियों ने पूरा पूरा साथ दिया। BDC मेंबरों ने हमारा साथ दिया, आम जनता ने हमारा साथ दिया, हमारे नेताओं ने मेरा साथ दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मेरे पास पूरा पूरा आशीर्वाद था मेरे ऊपर, और हमने उनसे वादा किया था कि हम चुनाव जिता के लाएंगे। उनके आशीर्वाद से ही हम चुनाव जीते हैं और हम पूर्णतया समाजवादी हैं और समाजवादी ही रहेंगे। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में काफी बवाल हुआ और वोटिंग के बाद भी घमासान जारी रहा। औरैया के अछलदा ब्लॉक में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला। अछलदा ब्लॉक में ग्राम सचिव अब्दुल करीम से सदर SDM ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और इस दौरान दोनों के बीच काफी बहसबाजी भी हुई। इसके बाद SDM ने उसकी दंडों से पिटाई भी कर दी। SDM की इस हरकत से सभी पंचायत सचिव एकत्रित होकर उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और सदर SDM रमेश चंद यादव पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम TV।